वैलेंटाइंस डे पर मुरादाबाद शहर में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए। एक ओर जहां शिव सैनिकों की निगाहें प्रेमी युगलों पर टिकी रहीं, तो वहीं कई हिंदू संगठन वैलेंटाइंस डे पर प्रेमी युगलों की तलाश में होटलों पार्कों पर अपनी नजर बनाए रखे नजर आए। जनपद के दिल्ली रोड मझूला थाना क्षेत्र के हर्बल पार्क पहुंचे राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हर्बल पार्क पहुंचकर नारेबाजी की गई और कहा गया कि यह पश्चिम की सभ्यता अपने देश में नहीं चलने दी जाएगी। शादी से पहले हर युवक और युवती का रिश्ता भाई बहन का रिश्ता होता है। जिस तरह से आज युवा विदेशी कल्चर के पीछे भाग रहे हैं, उसको बंद किया जाएगा। अगर कोई बहन बेटी के साथ अश्लील हरकत करता हुआ पाया गया तो ऐसे लोगों को समझाया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि यह सब हमारे देश का कल्चर नहीं है। इसी उद्देश्य को लेकर वैलेंटाइंस डे के दिन राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता भीड़ की शक्ल में नया मुरादाबाद के हर्बल पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने जोरदार नारेबाजी की, जिसको लेकर हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मंझोला पुलिस भी दिखाई दी। जब तक मंझोला पुलिस एक्शन में आती, तब तक राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पूरे पार्क में घूमकर ऐसे जोड़ों को अपना निशाना बनाया जो प्रेमी प्रेमिका के रूप में घूम रहे थे अथवा पार्क में बैठे थे। पार्क में बैठे उन प्रेमी जोड़ों को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर युवतियों से युवकों को राखी बंधवाई और उन युवकों से युवतियों के पैर भी छुआए गए। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के हर्बल पार्क में पहुंचने से प्रेमी युगलों में अफरा तफरी मची रही। हर्बल पार्क में वैलेंटाइंस डे पर प्रेमी जोड़े बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के पहुंचने पर भागते नजर आए, तो वहीं जो प्रेमी जोड़े पकड़े गए उनसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राखियां बंधवाई और एक दूसरे के पैर छुआए। युवतियों द्वारा युवकों के राखी बंधवाई गई। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष रोहन सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि आज राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्बल पार्क में एकत्रित हुए हैं और जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति में पति पत्नी के अलावा जो भी बहनें हैं वे हमारे लिए माँ और बहन के समान है। ये भारतीय संस्कृति है और भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए यही संदेश भी दिया जाता रहा है कि बहन दूसरों की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझें। लेकिन आज इस तरह से पश्चिमी सभ्यता की दौड़ में हमारे युवक और युवतियां दौड़ रहे हैं, वे हमारी सभ्यता के कतई विपरीत है। अगर कोई भी भारतीय सभ्यता के विपरीत काम करेगा अथवा बहन बेटियों के प्रति अलग भाव से कार्य करने का प्रयास करेगा तो राष्ट्रीय बजरंग दल इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को हमने पकड़ा है ये जोड़े नहीं हैं। लड़का लड़की जो घूम रहे हैं, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। नहीं तो हमने कहा तो भाई बहन का रिश्ता है आपका, तो हमने राखी बंधवाई है, पैर छुआए हैं। रक्षाबंधन पर बहन के पैर छुए जाते हैं, राखी बांधी जाती है, वह रिश्ता रखो आप तो ये रिश्ता, इसलिए ये रिश्ता रखवाया है। आज राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्बल पार्क में एकत्रित हुए हैं और जैसा कि भारतीय संस्कृति है उसमें पति पत्नी के अलावा और जो भी बहने हैं वो हमारे लिए माँ और बहन के समान है। ये भारतीय संस्कृति और भारत में रहने प्रत्येक व्यक्ति के लिए यही दिशा निर्देश है। तो भारत में आप अपनी पत्नी को छोड़कर जो भी बहनें इस देश में घूमती हैं वो आपकी बहनें हैं, उनके प्रति बहन की श्रद्धा का भाव रहेगा। अगर कोई भी इस भाव से अलग कुछ करने का प्रयास करेगा तो राष्ट्रीय बजरंग दल से बर्दाश्त नहीं। तो आज क्या करा आपने जोड़ों को पकड़ के? जोड़ों को जोड़े है ही नहीं वो। हाँ। लड़का लड़की घूम रहे हैं, हमने उनसे कही कि ठीक है, उन्होंने बताया कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हाँ। नहीं है तो भाई बहन का रिश्ता है आपका, हमने राखी बंधवाई है, पैर छुपवाए। हाँ। रक्षाबंधन पे बहन के पैर छुए जाते हैं ना, बहन को राखी बांधी जाती है, वो रिश्ता रखो ना आप।